हाँ जी फिर मित्रों, कैसे हो आप सब भाई। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आपको पता ही है पंजाब जैसे कि आगे थे, तो अमन भाई के पास हम आए हुए हैं। तो भाई हमारी जिमनी ये खड़ी और अमन भाई सारी R&D करते हुए अब कि हमने क्या प्लान नेक्स्ट करना है क्या नहीं करना। अमन भाई कैसे हो? पहले बताओ मीना कैसे बीता आपका? मीना बस भागदौड़ में होता है क्योंकि अमन भाई के पास महीने के बाद हम मिले। अमन भाई दिल्ली गए तब भी मैं मिल नहीं पाया था तब, है ना। तो आज हम जिमनी के ऊपर आप सबको एक डिटेल वीडियो देने लगे हैं। भाई सबसे पहले तो ये बता दूं, गाड़ी 5 इंच लिफ्ट हुई है, लेकिन वो लिफ्टिंग आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा क्या क्या हमने कराया। वो इसके बाद जो पार्ट आएगा ना उसमें बताऊंगा मैं। लेकिन अमन भाई हमारे पास इसका क्या क्या पड़ा पंजाब में? पंजाब में हम फर्स्ट होंगे जिसके अंदर फिट हो गया। ठीक है, ये बंपर हमारे पास आ चुका है स्टॉक में। ठीक है, उसके बाद पिछली सीढ़ी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका स्पॉइलर पड़ा है। उसके बाद हमारी इसमें ग्रिल पड़ी है। ठीक है, इसकी ग्रिल ठीक आ चुकी है। और प्राइसिंग कैसे रहने वाली है? प्राइसिंग क्या रहने वाली है? प्राइसिंग ऑन कॉल, ऑन कॉल ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि माल भी आया है थोड़ा कॉस्टली है, फिर रेट कम भी होंगे तो ऑन कॉल चलेगा। माल इस टाइम स्टॉक बहुत कम है। प्राइस हम बढ़िया दे रहे हैं, प्राइस होलसेल दिल्ली रेट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई। एक बार ये आप अमन भाई को सारे जने कॉन्टेक्ट कर लेना, तो इस बात चैनल को सब्सक्राइब बनता है। अब अमन भाई मेन चीज, हमने गाड़ी का चलो आउटर लुक तो तैयार कर लिया था, हमने ऑडियो उतार दिया था। ऑडियो क्यों उतारा गया था? ऑडियो इसलिए उतार दिया था कि हमें बॉक्स की वो लुक्स अगर पसंद नहीं आई थी, इस करके हमने सारा ऑडियो दिल्ली से सेटअप सारा तैयार करवा के लाए हैं। उसके बाद हमने सारा फिटिंग खुद यहाँ पर की है, वो आपको वो भी दिखा। मतलब हमने मेन चीज कटिंग वाला काम जो था डिजाइनर से के थ्रू, है ना, दिल्ली से हो गया है गाड़ी। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग ये रिवील कर रहे हैं हम आप सबके सामने। अभी इसके अंदर भी काम बाकी है। हाँ, इसके अंदर हमने लाइटिंग सेटअप बाकी है, वूफर्स के आसपास लाइट्स लगेगी और ये जो रैक बना है इसके नीचे पर एम्प के ऊपर लाइट्स आएंगी। ठीक है, वो सारा एक दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। और स्पीकर आप देख सकते हो ये जो फिट है। ठीक है, लो भाई देख सको। बाकी इसका पेंट की मैंने आपको क्वालिटी दिखाई थी। पेंट हाँ, हम ये सब चीजें मैंने बैठ के ये चीजें कराई क्योंकि अमन भाई ने मेरे को बताया था कि हमने सिर्फ कटिंग करवाया, रैक बनवाया, हमने रैक बनवा लिया। अब हमारे पास मल्टी कार्स के मल्टी मल्टी रैक आ चुके होंगे, आ चुके हैं ना अमन भाई। अब आप लोग के हिसाब से आपको रैक मिल जाएंगे। ठीक है, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, साइज जैसा चाहिए, कितनी लेयर्स चाहिए, सारा कुछ बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, उसके अलावा हमने इसको यूज करा। अभी एक चीज में इसमें हमारे को जो साफ बताऊं, मेरे को जो कमी देखने को मिली अमन भाई, क्या देखने को मिली है? इससे थोड़ी बेस कम हो गई है, जो बेस हमारी पहले थी उससे थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, एक दो महीने चलाएंगे फिर हम चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब मजा आप लोगों को कंटेंट खत्म नहीं होने देंगे। जो पंजाब का टेस्ट है ना, वो टेस्ट थोड़ा कम हो गया सब ऊपर का, वो हम इंक्रीज करेंगे। हम बॉक्स को स्मॉल छोटे बने इसको यहाँ पर लेके आएंगे इस साइज पे। ठीक है, और दूसरी चीज अमन भाई, अब आज हम इसमें क्या करने लगे हैं? और आज हम इसमें एक तो आपको 360 दिखा देते जो फिट हुआ सारा, उसके बाद हम और इसमें हमने जो मिर्च लगाई थी हाइपरसोनिक की, वो थोड़ी तीखी है, हम उसको चेंज करके कार्बन ऑडियो का कंपोनेंट फिट करने लगे हैं। जिसमें ट्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, आगे जो मिर्च थी हमने वो भी उतार दी। वो भी तो राजा है, ट्यूटर आएंगे कैसे कैसे फिट होंगे वो भी आप सबके। प्रॉपर अपने रैक वो बन रहे हैं, अपने पिलर्स पे कंपोनेंट के ट्यूटर और मिर्च फिट होंगी। ठीक है, हम चारों वो उतार के हाइपरसोनिक के कार्बन ऑडियो के कंपोनेंट फिट करेगा। ठीक है, तो ये चीज थी भाई आप सबके सामने। अमन भाई रिवील करने में रुकता नहीं है, अमन भाई दो देता है। तो आप सबको ये रैक कैसा लगा, ये चीज कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना भाई। यूनिक सेटअप तैयार हो रहा है गाड़ी का, गाड़ी यूनिक, सेटअप यूनिक, इसके लिए टाइम जरूर देना। हाँ, टाइम लगेगा गाड़ी में, एक दो दिन में तैयार होने की चीज नहीं है, हफ्ता 10 दिन लगेंगे मेरे। ठीक है, क्योंकि ये सब इसके अंदर गया है भाई, ये सब इसके अंदर है, डीप में है सब कुछ। देखो हिलने वाला नहीं है, सारा फिट है। ठीक है, मतलब हमारे ऑफ रोडिंग के अकॉर्डिंग हमने जैसे मर्जी करो ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, मर्जी कर लो ये नहीं हिलेगा, पूरी गाड़ी हिल जाएगी ये नहीं हिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भाई इसके लिए ही टाइम लगता है बस, है ना, टाइम लगेगा। ठीक है अमन भाई, बाकी रैक की फिटिंग देख सकते हो आप, प्रॉपर 0-0 फिटिंग है। ऊपर रैक्स पे आगे लाइट्स फिट है, गाड़ी की हाइट देख सकते हो 6 फुट से भी ऊपर, 6 फुट से। अच्छा, थार के साथ जो थार पहले यहाँ थी मेरे गाड़ी ये पीछे यहाँ पर थी, अब ज्यादा है। अमन भाई एक चीज और, हमारे पास लाइट्स में हम बात करें, इसके अंदर रूफ के अंदर लाइटें 13 इंच, कितने 10 इंच या 8 इंच थे? 8 इंच है शायद, 10 इंच से लेके 13 तक लग रही हैं, ये 13 लगी हुई है ना हमारी, 8 इंच 10 इंच 13 इंच। और जल्दी हम आप सबको एक सरप्राइज देने वाले हैं, फ्रंट लाइट्स का थार वाली लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, वो भी राज आ रहा है। फिट हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये चीज के लिए आप लोगों को आज ये छोटी वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको लोगों को बता दें। अमन भाई सबसे पहले तो बता दीजिए बम्पर के अंदर कितने फॉग, हाँ ये चीज स्पेशल है, बम्पर की स्टैंड चेक करनी है, देख लो भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं करा सकता। अमन भाई कह रहा है लो चेक कर लो भाई,
लो, इससे ज्यादा मैं नहीं करा सकता है ना अमन भाई। क्विंटल 5 किलो हाँ मतलब 105 किलो भार है, देख लो बम्पर नहीं अपनी जगह से हिल रहा, इससे बढ़ के और क्या। ज्यादा कहोगे तो बोबी भाई भी हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिर भी नहीं होना कुछ, ठीक है। ये चीज आपको टेस्टिंग करके दिखाती है। उसके बाद रूफ रैक भी ऐसे ही है, रूफ रैक के ऊपर हम अच्छा खासा वेट डाल सकते हैं अमन भाई, है ना। आज फिर कभी क्यों ऊपर चढ़ाने के लिए मेरे को बैक साइड पे लैडर लगाना है, लैडर भी हमारा ऑन कोरियर पे है, जल्दी आ जाएगा आप सबके साथ। बहुत सामान गाड़ी का लेटेस्ट आने वाला है, तो आप सबके सामने बस राज खुलने वाले हैं सारे के सारे जिमनी के, है ना। हाँ मतलब आप वेट करो, आपको क्या क्या चीजें इसमें देखने वाली है। हम भी चेंज करेंगे, चेंज कर देंगे भाई, ठीक है। तो कैसा लगा आपको, बाकी अभी अमन भाई के साथ बैठ के अभी डिस्कस करते हैं क्या चीज नेक्स्ट करने वाले हैं अब हम, ठीक है। तो चलते आप लोगों को दिखा दूं हमारी ऑफ रोडिंग कार चिपक गई है अमन भाई, ऑफ रोडिंग कार हमने ऑफ रोडिंग कार भी हमने चिपका दी है। तो दूसरी चीज अब अमन भाई ये चिपका देंगे, आज हम लगाएंगे अभी, आज अभी ट्राई ये अभी आपको हम दिखाते हैं चीज, बहुत क्लासिक है भाई। मॉडिफाइड हब का लोगो हमारे फर्स्ट ग्रिल पे लग रहा है, ठीक है। तो मजा आएगा आप सबको देखने में, चलते हैं अब ये भी लगवा। फ्री होके आज हम थार की वापस राइड लेंगे, काफी दिनों बाद थार हमारे पास वापस आई है, चलो इस पे चलते हैं आज हम। लो फिर, हाँ जी, फिर आज थार की राइड पे हम घूमेंगे आराम से, क्योंकि जिमनी अपनी अमन भाई ने खड़ी कर रखी है, तो आज थार पे आराम से, क्योंकि ये भी दिन थे मैंने थार वाले भी, लेकिन अब जिमनी ले ली है, तो नेक्स्ट गाड़ी जो आएगी वो महिंद्रा की आएगी भाई घर पे। जिमनी देखो जिमनी जिमनी है, थार थार है भाई, लेकिन थार भी जल्दी अपने पास आ जाएगी वापस, मतलब थार नहीं, मतलब आएगी महिंद्रा की 4x4 ही, लेकिन गाड़ी कौन सी होने वाली है वो सब आप सबके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है, जिस दिन 5x2 थार, जिस दिन भाई 5x2 थार आएगी उसी दिन 5x2 थार अपने घर पे आ जाएगी, ये ग्रंटेड है भाई आप सबके प्यार के। अमन भाई बैठे हुए हैं, तो अमन भाई ने आज गरवारे की फिल्म दी है भाई, ये वाली जो सी आई एस आई मार्क वाली भाई, ये अप्रूव्ड है जो जिमनी प्रूव नहीं है ना, आजकल रील तो वायरल हो रही है, पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, पंजाब के हर जगह के पुलिस जिंदाबाद है। तो भाई आज फिल्म हो गया, अब नेक्स्ट वीक जो उनसे अभी देखते हैं अमन भाई क्या करके देते हैं गाड़ी का। लो फिर भाइयों, आज के दिन हमारी गाड़ी के अंदर जो काम में इंची कराने थे मेरे को वापस अपनी गाड़ी पर टिंट कराने कराने थे, तो मैंने लाइट टिंट वापस करानी है भाई, जो कि अलाउड है। जो अमन भाई हमने इस पे ऊपर कौन से करे हैं, अमन भाई कितना 50% है, ये दिन में तो नहीं दिखता इतना, है ना, दिन में तो पता भी नहीं लगती लगेगी, नहीं तो दिन में पता नहीं लगेगी भाई, लेकिन ये 50% शेड्स पे आएगी। हमने बैक भी करा दिया, फ्रंट भी करा दिया, फ्रंट मतलब पहले ही था हमारा, बैक भी हमने करा दिया, क्योंकि यार थोड़ा बहुत बीच में सामान जैसे लगा वो कुछ दिखता लग गया, बाकी लाइट आपको जलती कुछ अंदर दिख रहा है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा मैं, इस व्लॉग में था सॉरी आपने देख ही लिया सिस्टम, अब इसके अंदर लाइटें करेंगे। अमन भाई थार कहाँ तक पहुंची, इसका शूट अलग से आएगा, है ना। ये अलॉय व्हील देख लो भाई, कितना जबरदस्त अलॉय व्हील लग रहा है। बाकी जल्दी इस गाड़ी की वीडियो हम आपको देंगे, काम चल रहा है अभी, तो ये शूट हो चुकी है, कुछ काम खत्म होने के बाद होनी है, मतलब मजा आएगा आप सबको, और कमेंट करके बताना कैसी लग रही है थार भी हमारी भाई। लेकिन एक फ्रेम में आप लोग देख सकते हो आराम से थार एंड जिमनी इकट्ठे, और मजेदार लुक आ रही है। सुनो, हाँ जी अमन भैया जी, फिर आज अमन भैया को हम बाय बाय करके जा रहे हैं, इस गाड़ी का शूट थोड़ा सा रह गया, कल बाकी करेंगे। तो अपनी जिमनी के अंदर अमन भैया लाइटों का रिस्पॉन्स दिखाएंगे आज रात को, हम अभी आगे जाके मैं दिखाता हूँ यार। हाँ अमन भैया नए टाइप के स्टेरिंग कवर लेके आए भाई, किसी को चाहिए बताना, इतने में भी ये ऐसे कैसी, यहाँ पर कार्बन फाइबर मिल जाएगा, यहाँ पर कार्बन फाइबर मिल जाएगा, ये न्यू स्टेरिंग कवर आए हैं और अच्छे काफी फिनिशिंग के साथ है भाई, चेक कर सकते हो। और हम अपनी जिमनी में भी कराएंगे, लेकिन स्टेरिंग चेंज करेंगे, है ना पंकु भैया। तो जी पंजाब आने के बाद मतलब खालसा भाई को गाड़ी नहीं दिखाई थी अभी तक ढंग से, खालसा भाई कैसी लग रही है पहले तो ये बताओ, कैसे हो, ठीक हो, मतलब आया मैं फिर गया फिर आया फिर गया अब ये बताओ गाड़ी ले आया हूँ अपने शहर वापस आ गई, कैसी लग रही है, अब हाथी का बच्चा बन गया, हाथी का बच्चा बन गया, ये लो यार आप चाबी रखो ये। तो रिएक्शन अच्छा भाई, चढ़ने में और देखने में बल्कि लुक दे रही है फुल मजेदार, साइड स्टेप्स भी लगाएंगे, हाँ चढ़ने वाला है ना, और वो डंडा भी लगाना है मुझे आपके आगे जो लगा हुआ गाड़ी में, वो जो है एंटीना लगा देंगे, वो भी लगाएंगे अब हम, वो एक आधे दिन में वो भी काम हो जाएगा, सही है मौसम, गाड़ी धुलवाएंगे अब कल, है ना। बिल्कुल जबरदस्त लुक आ रही है कि नहीं आ रही, क्या लग रही है, सख्त लग रही है, बिल्कुल कल व्हील भी चेंज करते हैं इसको सची सही बताओ, कल व्हील चेंज हो जाएगी, कल व्हील चेंज हो जाएंगे, बहुत देखी है
लो मतलब जितनी चीज की मैसेज आ रहे थे भैया कहते लो चेंज लो व्हील चेंज फिर से कर लिए। बम्पर कैसा लुक दे रहा? बेस्ट दी बेस्ट मजा आ गया ना। अब हमारी थार और ग्रिल के ऊपर भी कुछ और करेंगे, अभी करेंगे ना, करते हैं इतने पोर्शन में ना बढ़िया करेंगे, ये नॉर्मल लग रहा है। हां बाकी लाइटें चेंज बड़ा कुछ है अभी आप सबके लिए, बाकी खालसा भी ऐलान कर दिया अलॉय व्हील चेंज, तो मतलब अलॉय व्हील चेंज देखते हैं अब कल क्या करेंगे, कल क्या कौन सी सुरली निकाल लेंगे हम, नहीं है ना बढ़िया चीज डालेंगे। ठीक है तो भाई इस बात पे थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई आप सबके लिए। बम्पर अच्छा लग रहा है ना, चलेंगे अब किसी दिन है ना। अच्छा वो भी बता दूं उसकी ग्रिल भी आ गई है, मतलब 10 से 15 दिन में हमारे पास पंजाब में होगी वो ग्रिल, फर्स्ट होगी वो भी इंडिया में ब्रोंको वाली ग्रिल। लो जी ये जी मैं अभी कैमरे में बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया, भाई मेरे ने नाम लिया तो निकल गया मुझसे कि ये भी काम हो जाएगा। ठीक है तो फटाफट अब चैनल को सब्सक्राइब। लोग ये आ गए नेक्स्ट डे रात को खालसा भैया के पास ही हो गए, अब अलॉय व्हील की वीडियो आप सबके सामने जल्दी आ जाएगी, अलॉय व्हील कौन सा डाल रहे हैं हम, क्या डाल रहे हैं, क्या प्लान अप है वो सही। अब मेन चीज हमारी गाड़ी को मॉडिफाइड हब का नाम पूरा का पूरा चैनल इस गाड़ी के ऊपर आप सबको पसंद आ रहा है देख रहे हो आप सब, तो उसके लिए आज हमने फ्रंट ग्रिल बहुत अधूरी अधूरी लग रही थी तो हमने डिजाइन करा। तो भाई पंकु भाई गाने सुन रहा है, पंकु भाई को कहेंगे थोड़ी सी आवाज कम करेगा, लेकिन रात को आप लोगों को फिल्म दिखानी थी, अब देख सकते हो फिल्म बिल्कुल लाइटर शेड पे है, अच्छी लग रही है इतनी, गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है तो चलता है कोई बात नहीं, लेकिन अब हम अपनी ग्रिल पे भी सेम जैसे मारुति ने लोगो निकाला था ना सिग्नेचर फॉन्ट पे मारुति लिखा हुआ सुजुकी, हमने उसी पे बना दिया है ये वाला मॉडिफाइड हब का, तो लगने देते हैं भाई एक बार ये। राजू भैया कैसे हो? बढ़िया हो? तो राजू भैया हमारे ठोक रहे हैं लोगों को, राजू भैया पर टिका लिया, अब राजू भैया कहेंगे अब मैं अपनी मर्जी जहाँ ठोकना वहाँ ठोकूंगा है ना। लो भाई देख लो लुक कैसी आ रही है, मतलब फ्रंट साइड पे मॉडिफाइड हब का लोगो आ जाएगा, अब ये मजे ले रहा, ये सुधरने वाला बच्चा है। अरे राजू भाई ने काम कर दिया कंप्लीट, तो देख सकते हो भाई लग गया पूरा, पंकु लाइटें मारा, पंकु ऊपर वाली लाइटें भी मारी एक भाई, इसके रिस्पांस चेक करो यार, ये देखो ये इस तरह जाओगे तो ये आपको आंखों में चुभेगी, उस तरह जाओगे तो वो, और नीचे वाली लाइटों के साथ पूरी गाड़ी का एक भाई लुक फ्रंट से लाइटों के साथ देख सकते हो। देखो भाई साहब मजा आया था रात को गाड़ी चलाने में, तो उम्मीद है आप सबको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और 20K के बाद बोला था अलॉय व्हील चेंज वो भी जल्दी आप सबको चेंज करके मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।